चलो देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर वन में हम कल आपको बताए थे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैं आपको ये बताया कि इसको आप कुछ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस में ए एन माइनस का टू एक्स में एन माइनस का टू प्लस में ऐसे देखो, इधर एक एक कम होता आ रहा है तो एक दिन ऐसे कम होते हुए थ्री हो जाएगा। और ऊपर क्या है कि जो इधर चल रहा वही पावर इधर चल रहा है, प्लस उसी तरीके से ए टू एक्स टू होगा प्लस में ए वन एक्स वन प्लस में एक दिन ए नॉट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन हमने लिखा था सबसे पहले, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर वन में हमने आपको ये बताया कि जो एन है या एन माइनस का वन है या एन माइनस का जो टू है एंड सो ऑन, जो भी आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको ए थ्री दिख रहा है, ए टू दिख रहा है एंड ए वन दिख रहा है या ए नॉट दिख रहा है, ये सभी के सभी जो है ये हमारे कोफिशिएंट कहा रहे थे। क्या कहा रहे थे? कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे कोफिशिएंट थे, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये, यानी इसको आप कह सकते हैं कि जो आपका हाईएस्ट पावर दिख रहा है एक्स का पावर एन, इसका जो कोफिशिएंट है वो ये एन दिख रहा है ना। तो यानी आपको बताना ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है, ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? एन है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो कॉफिशियंट है ना, कॉफिशियंट ऑफ एक्स का पावर एन जो दिख रहा है वो आपको एन दिख रहा है, और इसी को आप लोग लीडिंग कॉफिशियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग कॉफिशियंट। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लीडिंग कॉफिशियंट का बात है। इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वेशन को बनाए रखने के लिए आपको ये जो लीडिंग कॉफिशियंट है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था कि अगर इसको हम पीछे से कट करना शुरू करें तो ये पहला टर्म हम लोग को मिलेगा जो कि ए नॉट होगा, दूसरा टर्म जो मिलेगा वो हमारे पास ए वन एक्स का पावर वन मिलेगा, तीसरा आपको ए टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर उस तरीके से आपको ए क्यूब है ना, ए थ्री और एक्स का क्यूब मिलेगा, फिर उसी तरीके से आपको जो है मतलब देखा जाए तो ये ए फोर एक्स का पावर फोर है। लेकिन इसमें क्या है कि इसके पीछे आपको ये ए नॉट दिखेगा, इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ए वन एक्स वन दिखेगा और ए नॉट दिखेगा, फिर उसी तरीके से ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन एक्स वन और प्लस में ये ए नॉट दिखेगा। अगर इसको देखा जाए तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस में यहाँ पे ये ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन एक्स का पावर वन प्लस में ए नॉट आपको दिखता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी का फोटो बदल देते थे तो ये बन जाता था हमारा क्या, लीनियर, है ना, सॉरी ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल था, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या आता है आपका, ये आपका देखा जाए तो ये लीनियर बन जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक है, और ये अपने पास है ना, इसको हम क्वार्टिक बोलते हैं, है ना, ये हमारे पास क्वार्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। ये सभी के सभी हमारे पास ये टाइप वाइज टाइप पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, इसी का फोटो अगर हम चेंज कर दें तो ये आप ए नॉट की जगह पे आप ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई कांस्टेंट ही होता है। यहाँ से हम इसको ए एक्स प्लस में इसका फोटो बनाकर बी बनाते रहते हैं, और यहाँ से ये हम इसको क्या कर लेते हैं, बी एस बी एक्स, और इसको सी लिख रहे थे, है ना। ये कोई भी नंबर है तो कोई भी नंबर के लिए आप ज्यादातर यूज क्या करते हैं, सी यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, तो आप सी भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया, उसके बाद ये ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में कितना डी बन जाता है। उसी तरीके से अगर आप इसको चेंज कर दो तो ए एक्स का पावर फोर प्लस में कितना बी एक्स का क्यूब, उसके बाद सी एक्स का स्क्वायर डी एक्स और प्लस में कितना ई, है ना। तो ये इस तरीके से मतलब हमारा कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और मतलब क्वाड्रेटिक ये सब बनता है, और पाई वाले को क्विंटिक कहते हैं, ये कल की क्लास में बात कर रहा हूँ। यहीं से अगर हम बात करने जाए तो अगर मैं इसी सब को क्या कर दूं, इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा तो एक इक्वेशन बन जाएगा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो हमारा अलजेब्रा है वो क्या कहता है कि जितना भी नंबर ऑफ
मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो सॉल्यूशन होगा। तो हम इस बात को यहीं पे एक बार देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, नंबर ऑफ जो रूट्स होता है, डिग्री होता है ना, वो डिग्री के बराबर होता है। यानी आप सीधा डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पावर, यानी उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी के इक्वल्स में हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, डिग्री है ना ऑफ द इक्वेशन है ना, जितना उस इक्वेशन का डिग्री होगा उतना ही उस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक की बात करी जाए तो इसके दो आंसर आते हैं, आपको पता है, एक को आप अल्फा कहते हैं, दूसरे को आप बीटा कहते हैं, है ना। अगर वो क्यूबिक होता तो आपको पता है कि इसके लिए एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, दूसरा हम लोग कोई गामा लेते हैं, है ना। ऐसे तो जितने भी हमारे पास मतलब डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उतना अपने पास सॉल्यूशन होगा, ये सब बात हम लोग है ना देख चुके हैं। अब इसमें आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं, कौन सा पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है, ये भी करके क्लास में हम देख चुके थे, ठीक है। एक बार आपको ओवरव्यू देते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो सवाल ये है कि पढ़ना है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम सीधा क्वाड्रेटिक पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक के बारे में क्या क्या बेसिकली बात कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा जाए तो एक जनरल फॉर्म हम लोग बात किए थे, है ना, वो जनरल फॉर्म था आपका, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में किसी भी तरह का अगर इक्वेशन होगा तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब हुआ कि आपको उसका फोटो बनाने आना चाहिए और इसमें आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इक्वेशन देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर आपको जीरो दिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान रखें यहाँ पे ये जो ए दिख रहा है ना, यानी ये जो ए दिख रहा है ये आपको देखना है कि अगर ए हमारा पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारा ये जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, तो ये अपवर्ड्स पैराबोला खुलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे किधर की तरफ, अपवर्ड्स पैराबोला, ठीक है, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, ए अगर नेगेटिव होगा तो ये हमारा क्या होगा, है ना, ये डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। अब यहां पे आपको एक दो चीज समझना है, बाकी अपने को किससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, सिर्फ ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये अगर पॉजिटिव होगा तो हम अपवर्ड पैराबोला और अगर ये नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा एक चीज और समझते हैं कि सर ये स्टेप्स में आप बताइए पहले कि हम ग्राफ को बनाएंगे कैसे, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर वन में समझना जरा ध्यान से, आप क्या करना, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसका क्या करना, dy by dx निकालना और उसी dy by dx को जीरो कर देना, क्या करना, dy by dx को जीरो करना। जैसे dy by dx को जीरो करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बोला मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और थर्ड में क्या करना, पुट करना इसको, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसमें आप क्या करना, x की वैल्यू को पुट करना एंड गेट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहां से ला सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने x की वैल्यू अगर आपको मिल गया है ना और y की वैल्यू अगर आपको मिल गई, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, तो आपको वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स किसका, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो भी पैराबोला बनेगा, ठीक है, उसका वर्टेक्स बनेगा। अब देखो दो तरह का पैराबोला, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है तो मुझे देख के पता चल रहा है कि अपवर्ड्स बनेगा, माइनस में अगर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है तो पता है कि डाउनवर्ड्स बनेगा, तो ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक
ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स का है, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट्स है ये इसका वर्टेक्स होगा, और इसका जो है ना जो अपवर्ड्स वाला जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो इसका क्या देगा, है ना, वर्टेक्स देगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा वर्टेक्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद यहीं पे हम थोड़ा सा एक और आपको चीज बता रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिए, एक बार पेन ड्रॉप करो और समझिए। अगर मैं थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर हमने पढ़ाया था वहां मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था। देखो यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हो, कोई भी इफेक्ट दिया हो, आपको पता है इसी इफेक्ट को हम वाई कहते हैं, क्या कहते हैं वाई। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स करेंगे, ठीक है, खूब ध्यान देना। मतलब मैं अगर इसको तरीके से समझाऊं तो समझो पहले ध्यान से, पहले काम करो, पहले आप इसको एक बार कॉपी करो फिर मैं आपको समझाऊं, एक बार जरा कॉपी करो। यहाँ पे ये स्टेप को ऐसे ध्यान रखना है बस, ठीक है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अपनी मर्जी से बोलिए उसका ग्राफ पहले हम आपको बना करके दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। कोई भी सुमित एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हां फिर से बोलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस में 1। अच्छा, ये y इज इक्वल टू आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, ठीक है। एक भावना है, एक क्वाड्रेटिक आप बताइए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस में 6, चलिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, एक को कोई माइनस कर देते हैं, ठीक है, और एक को प्लस रखते हैं ताकि जो है चीजें आसानी से समझा सके, कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों का अपने को ग्राफ बना देना है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा है कि ग्राफ बनाना है तो आपको वर्टेक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा कि डी ओवर डीएक्स करो, तो डी ओवर डीएक्स करेंगे तो इसको पता है कि 2x प्लस में 2 है, है ना, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं आपको क्या मिल गया, है ना, इसको जीरो कर देना है, तो 2x प्लस 2 बराबर अगर जीरो करते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख क्या रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 दिख रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को वापस से कहाँ पुट करना है, y, तो y इज इक्वल टू दिख रहा है यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2 इनटू में माइनस 1 और प्लस में 1, मतलब यहाँ से ये माइनस 1 बोले तो 1 और ये कितना माइनस का 2 और ये कितना प्लस का 1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बताओ हमारे पास जो वर्टेक्स आया है, वर्टेक्स कितना आया, माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने से पहले आपने जो बताया इस क्वेश्चन में देख करके आपको a की जगह पे कितना दिख रहा है, a इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, 1 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखते पता चल गया कि ग्राफ किधर घूमेगा, ऊपर, तो एक बात तो पता चल गया कि ग्राफ कितना ऊपर घूमने वाला है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को बनाते कैसे, तो देखो यहाँ पे जरा हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस है आपको पता ही है, माइनस 1 किधर आएगा, x एक्सिस में माइनस 1 इधर आएगा, यहाँ माइनस और यहीं पे 0 होगा, y कोऑर्डिनेट में यही भी 0, मतलब यहीं से ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। तो हम ऊपर की तरफ जब खोलेंगे ना तो आप ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं, जैसे आप ऊपर की तरफ खोल सकते हो खोल दो बिना डरे। अच्छा, ये यहाँ पे कट कर दिया, एक जगह ग्राफ क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट अपने कितना मिला, माइनस 1.0 मिला, ठीक है। अच्छा, y एक्सिस पे ये वैल्यू कहीं पे कट कर रही है, जैसे मुझे कैसे पता चले ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, अगर ये पता लगाना है तो बताइए इस लाइन पे क्या जीरो होता है, x जीरो होता है, इस लाइन पे क्या होता है, y एक्सिस पे आपको पता है कि y एक्सिस पे क्या होगा, x x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है इसमें x जीरो रखो, x जीरो रखो तो यहाँ जीरो, ये जीरो, ये जीरो कितना है, प्लस 1, मतलब y ये कहां पे कट कर रहा है, प्लस 1 जीरो को, यानी बिल्कुल सही जगह पे ग्राफ अपना बना हुआ है, इसे बोलिए कहीं कोई डाउट है क्या, यानी ये जो ग्राफ बना है ये बना है आपको y इज इक्वल टू है ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में कितना, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे जब ये ग्राफ टच करता है तो ये अल्फा का और बीटा ये दो जगह, मतलब अगर आपको अगर मान लेते कि अगर आपको लगता हो कि एक ही पॉइंट पर टच है तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कौन सा वो गेम बोलते हैं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में जब देखोगे कि टेबल टेनिस जब ऐसे हुक करते हैं तो खड़ाक से आवाज आता है, मतलब एक नहीं दो बार आवाज आता है ना, तो यहाँ पे ये नहीं समझना कि एक पॉइंट पर टच है तो एक ही, क्वाड्रेटिक है जितना डिग्री है उतना सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, तो एक अल्फा एक बीटा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बात कर लेते हैं, है ना, यहाँ ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत है। अच्छा, एक बार मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको खुद ट्राई करिए, ठीक है, एक बार खुद ट्राई करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार ट्राई कर सकते हो।
चलो याद है, सिंपल सा लॉजिक है। अब डी बाई डी एक्स निकालते हैं, आपको पता है कि डी बाई डी एक्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस 5 दिख रहा है आपको, माइनस 2x प्लस 5। अगर मैं इसको जीरो करने जाऊं, मतलब डी बाई डी एक्स को आप जीरो करोगे, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि माइनस 2x प्लस 5 को आप जीरो करोगे तो x इज इक्वल टू आपको कितना दिख रहा है, 5 अपॉन में 2 दिख रहा है ना। माइनस का 5 उधर आएगा, माइनस का 2 डिवाइड करेंगे तो ये 5 अपॉन में 2 आएगा। मतलब जो वर्टेक्स दिख रहा है आपको वो x में तो पता चल गया कि भाई 5 कॉमा 2 है। y एक्सिस में क्या करना है कि इस x को पुट करते हैं, कहां पे, इक्वेशन में, इक्वेशन में हम पुट करके दिखाते हैं आपको कि y इज इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर के जगह पे आपको 5 बाई 2 का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस में 5 इंटू में कितना 5 बाई 2 है और प्लस में कितना 6 है। यहां से ये 25 अपॉन में कितना 4 आना माइनस का, प्लस में ये 25 बटा 2 दिख रहा है और प्लस में कितना आपको 6 दिख रहा है ना। तो देखो एक छोटा सा चीज समझा देता हूँ, जोड़ने घटाने के चक्कर में जो है, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 4 आ जाएगा, ऊपर में कितना 25 है और प्लस में कितना 50 हो जाएगा और प्लस में कितना 6 होगा 24 हो जाएगा, है ना। अगर मैं 24 और 25 को जोड़ू तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा माइनस में, 49 दिख रहा है, 49 अपॉन में कितना 4 दिख रहा है ना। मतलब मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने जाऊं तो 49 अपॉन में 4 दिख रहा है। अब इसी को अपने को क्या करना है कि प्लॉट करके दिखाना है कि कहां पे ये चीज आएगा। तो आप देखो अगर मैं इस ग्राफ को दिखाने जाऊं इधर, तो यहां देखो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में ए क्या दिख रहा है, माइनस वन, जो कि क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा फोटो, नीचे की तरफ है ना, डाउनवर्ड्स बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद 5 बाई 2 का मतलब कितना, 2.5 है ना। मान लेते कि ये 1 है, एक 2 है और यहाँ पे ये 3 है, तो 2.5 पे यहाँ पे आएगा। अच्छा उसके साथ ये 4/49 दिख रहा है, 49/4 दिख रहा है, मतलब आप मान लो कि 12 समझो है ना। वाई एक्सिस में अपने को 12 जाना है, तो 1 2 है ना, 3 4 5 6 ऐसे इस तरीके से अगर हम जाए, मान लेते कहीं पे 12 आएगा इसमें, है ना, थोड़ा सा छोटा दिखा लेते हैं कि कहीं पे मान लेते कि यहाँ पे 12 आ गए लेट से, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट से मतलब यहाँ से आपको क्या करना है कि वर्टेक्स यहाँ पे मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सॉरी अपने को किधर लेके आना था, डाउनवर्ड्स आना था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स कर सकते, ठीक है। अच्छा ये वाई एक्सिस पे कट करेगा, नहीं कट करेगा, कहां पे कट करेगा, अगर ये पता लगाना है तो क्या करेंगे, एक्स को जीरो रख देंगे, एक्स को जीरो रखते कहां पे, 6 पे कट कर रहा है। मतलब अगर मैं ग्राफ को ऐसे बढ़ा करके आगे बढ़ू है ना इस तरीके से, तो ये वाई एक्सिस की तरफ कहां पे कट करेगा, 6 पे, मतलब ये एक्स में 0.6 पे कट करेगा, नहीं ऐसा मतलब, मतलब ये ग्राफ का कौन सा हिस्सा वाई एक्सिस को छुएगा तो हमको एक्स वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो करेंगे, जो अपने को वैल्यू आएगा वही क्या देगा, वही क्या देगा। तो हम किसी भी ग्राफ को इस तरीके से बना सकते हैं, और इसका जो वर्टेक्स आया है, वर्टेक्स आपको दिख रहा है कि 5.2 है और 49 अपॉन में कितना है 4। बोलो शिखर समझ आ रहा है, कहीं पे ग्राफ को बनाने में दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए मैं 2 क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ग्राफ बना करके दिखाना है जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई भी इक्वेशन दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही बनाना आपको, है ना, आप अपनी मर्जी से कोई बना सकते हैं। मैं दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हैं। आप 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1 y इज इक्वल टू है, इसका एक बार ग्राफ बनाना है आपको, और नेक्स्ट वन जो है वो मैं दे देता हूँ आपको, आप ट्राई करो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 इसका ग्राफ आपको बनाना है, दूसरा ग्राफ आप बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 3, ठीक है, ये तीन ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। पहले आपको ये ट्राई करो, इतने से हो जाएगा, तीन क्वेश्चन से आपका ले सीख जाएगा, ठीक है। ये तीनों का ग्राफ आपको बना करके दिखाना है जल्दी जल्दी, ठीक है, ट्राई। चलो इसको देखो, सबसे पहले मेरे को देखना है कि इसमें ए क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है और ए कैसा है, पॉजिटिव, तो मतलब ग्राफ किधर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स करते आपको क्या दिख रहा है
कि आप जैसे डीओ बाई डी एक्स करेंगे थ्री, तो ये आपको फोर एक्स प्लस में कितना थ्री दिखेगा। यही से आपको क्या करना है, इसको जीरो कर देना है, तो फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री अकाउंट में कितना दिख रहा है, फोर दिख रहा है ना। इसी को अपने को क्या करना है, वाई में पुट करना है, वाई में जैसे पुट करेंगे टू इंटू में कितना माइनस थ्री अकाउंट में फोर का क्या फोर स्क्वायर है, प्लस में थ्री इंटू में माइनस थ्री अकाउंट में कितना फोर प्लस में वन। अगर इसको सॉल्व करा जाए तो यहाँ पे ये माइनस नहीं नाइन अकाउंट में कितना सिक्स डिग्री, यानी नौ दुना कितना अठारह, यानी इसको नाइन अकाउंट में एट दे सकते है ना। उसके बाद कितना लिख सकते हैं माइनस का नाइन अकाउंट में कितना फोर प्लस में कितना वन दिख रहा है ना। अगर इसको मैं चाहूँ यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, तो मैं इसको अठारह बटा आठ लिख सकता हूँ है ना, और इसको मैं एटीन अकाउंट में एटीन लिख सकता हूँ। आपका अपना अपना तरीका, आप जैसे चेंज कर दो उसे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करने का तरीका है ना। ये सॉरी एट अकाउंट में एट लिखा था है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम, तो आपको पता है एट होगा, नौ और प्लस में आठ मिलकर के सत्रह, सत्रह में से अठारह गया माइनस वन, तो माइनस वन बाई एट आपको दिख रहा है क्या वाई की वैल्यू, मतलब अपने पास वर्टेक्स आ चुका है, और वर्टेक्स क्या है तो एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री अकाउंट में फोर, और ये वाई की वैल्यू कितना है माइनस वन अकाउंट में कितना है ना। अब इस चीज को हमें क्या करना होगा कि मतलब इसको कार्टेशियन प्लेन पे अपने को दिखाना होगा कि भाई ये जो है कहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये दोनों माइनस है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स माइनस और वाई माइनस, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस थ्री बाई फोर है, थ्री बाई फोर मतलब वन से भी कम है, वन से क्या है छोटा है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ वन होता तो ये वन से थोड़ा सा पीछे होता यहाँ पे है ना, वन से थोड़ा सा पीछे, और ये माइनस वन बाई एट है, वन बाई एट वाई एक्सिस में, अगर मैं वाई एक्सिस में देखूँ ये भी देखो नीचे की तरफ आएगा, तो अगर यहाँ वन होता तो ये भी वन से कितना छोटा है, मतलब ये लगभग मान लो कि अगर ऊपर में अगर नीचे दस होता, ऊपर भी दस होता तो एक आता, नीचे आठ है, मतलब इधर अगर मतलब ये मान लो कि ऑलमोस्ट ये जीरो पॉइंट वन के आसपास है ना, तो जीरो पॉइंट वन का मतलब एकदम यहाँ पे है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूं, इसको अगर अपने को ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे वाई एक्सिस में यहाँ पे, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पॉइंट कितना है, तो ये पॉइंट आप बताएंगे कि माइनस का थ्री बाई फोर और माइनस का वन अकाउंट में कितना एट। अच्छा मुझे बताइए पॉइंट तो आपको मिल चुका है, अब ये जो मतलब इसका कनकेविटी अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स होगा, तो यही से हम क्या करेंगे इसको अपवर्ड्स से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल ये कि वाई एक्सिस पे सर कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को जीरो रखेंगे, तो ये वन, इसका मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है जीरो कॉमा वन। तो इस तरीके से ये ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात करा जाए इसका, तो आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर आप डीओ बाई डी एक्स करोगे तो डीओ बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि आप टू एक्स प्लस में वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन को अगर मैं जीरो करूंगा तो यहाँ से मुझे दिख रहा है एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन में टू, माइनस वन अपॉन टू को अगर आप वापस से पुट करेंगे इसमें तो वाई की जो वैल्यू मेरे को दिख रही है ये वन बाई फोर हो गया, वन बाई फोर माइनस का वन बाई टू है ना, यानी माइनस का वन बाई फोर सॉरी प्लस का वन बाई फोर माइनस का वन बाई टू और प्लस का वन। एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना दिख रहा है आपको, वन माइनस का टू और प्लस का कितना फोर, चार एक पांच, पांच बटा कितना चार दिख रहा है, तो ये फाइव अकाउंट में फोर दिख रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बताइए। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा चार, इधर कितना एक आएगा, इधर कितना दो आएगा और इधर कितना चार आएगा, चार एक में एक ऐड करके पांच बटा चार हो गया। तो यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, एक्स माइनस वन बाई टू है जबकि वाई आपका कितना दिख रहा है फाइव अकाउंट में फोर दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो वन बाई टू का स्क्वायर करना, वन बाई टू का स्क्वायर करो ना माइनस में वन बाई टू का स्क्वायर, तो वन बाई फोर ही आएगा, वन बाई फोर हमने कर दिया। उसके बाद आपको एक से लिखना था माइनस वन बाई टू प्लस में वन, कितना हो सॉरी चार एक पांच, पांच में से दो गया कितना तीन बटा चार हो गया है ना। अच्छा तीन बटा कितना हो गया चार हो गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से क्या करते हैं कि वर्टेक्स मिल गया तो ग्राफ प्लॉट करना है, कौन से क्वाड्रेंट में राइज करेगा, एक्स माइनस वाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें जाऊं इस ग्राफ को कर दूं, यहां देखो यहां से
वन बाई टू मैं मान देता हूँ कि वन अगर यहाँ पर होगा तो वन बाई टू यहाँ पर होगा माइनस में, और ये थ्री बाई फोर है, मतलब कितना आप मान लो कि हाँ मतलब अगर ये चार होता पॉइंट नाइन, अगर ये एक यहाँ पे है तो थोड़ा सा उससे क्या होगा कम, थोड़ा सा नीचे होगा, एक से थोड़ा सा नीचे कम, मतलब आपने को इधर की तरफ आना है, ये वाला पॉइंट मिल गया है ना। अच्छा इसमें एक ऐसा दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इधर की तरफ चलेगा अपवर्ड साइड, तो हम यही से इस ग्राफ को ऐसे अपवर्ड की तरफ खोलते हैं, कोई दिक्कत है। अच्छा ग्राफ में वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है बताइए, है ना वन पे कट कर रहा है, और वैसे ही पता वन से थोड़ा सा नीचे था, तो ये आपको जीरो का मतलब कितना दिख रहा है वन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो ग्राफ बना था पहला ग्राफ मोटा मोटी आपको याद है किधर की तरफ बना था, थोड़ा सा थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पे कट करके जा रहा था जीरो कॉमा वन, ये जीरो कॉमा वन पे कट कर रहा था आपको याद है। अच्छा एक्चुअली कुछ बात बताना है, इसलिए दोनों तीनों ग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। ये ग्राफ देखिए आपको मैं ये दिखा, अगर मैं यहाँ पे डी ओ पे डी एक्स लिखने जाऊँ तो ये कितना दिख रहा है आपको माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस में फोर, जीरो करते हैं आपको कितना दिख रहा है एक्स की वैल्यू वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ गई, वाई की वैल्यू बता दो वन पुट करते आपको कितना मिल गया माइनस का दो प्लस का चार और प्लस का तीन, चार पॉइंट सात में से दो गया पांच, ठीक है मतलब वर्टेक्स आपको मिल गया वन कॉमा कितना फाइव, हमें क्या करना है ये ग्राफ पे प्लॉट करना है वन कॉमा फाइव, एक्स एक्सिस में वन यहाँ पे है फाइव वाई एक्सिस में मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो ये कुल मिला करके ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है ये जो पॉइंट दिख रहा है वन कॉमा कितने हैं फाइव आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए क्योंकि ए जो है वो कैसा है नेगेटिव माइनस दो है, मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का मतलब हुआ कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से खुलेगा ऐसा, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ग्राफ वाई में कहां पे कट कर रहा है जीरो कॉमा थ्री, बोलिए अब इसको पुट करके देखेंगे जीरो रख करके, तो ये दिख रहा है कि जीरो कॉमा कहां पे थ्री पे ये कट कर रहा है, तो पता ही जीरो रखते ये दोनों खत्म होगा सिर्फ क्या बचे थ्री, तो ये पता लग गया। अच्छा अब ये जो दो तीन आपको ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ से हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप जरा ध्यान देखिए, देखो एक और मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं एक ग्राफ कि कोई ग्राफ है लेट से वो ऐसे बन रहा है, ठीक है वो ध्यान देना है आपको, ठीक है इस तरीके से एक ग्राफ बना इसका एक्स कॉमा वाई कुछ यहाँ पे होगा है ना वो आपको दिख रहा है, ठीक है देखो अभी एक मिनट के लिए पेन ड्रॉप करो और पहले एक बात जो बता रहा हूं उसको देखो, ये जो तीनों चार ग्राफ आपको जो दिख रहा है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक खासा फर्क दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है कि देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे से कट मार रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट किया है ना, लेकिन ये एक्स एक्सिस कहीं पे कट करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उसके जो सॉल्यूशंस होंगे उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, क्या होंगे रियल, मतलब रियल में कट कर रहा है और ये रियल में कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो रूट्स हमारे कैसे होते हैं रूट्स आर रियल, ये रियल रूट्स होते हैं है ना, और ये जो रूट्स आपको दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं आपको इमेजिनरी रूट्स आपको दिख रहे हैं, तो इस केस में नॉट रियल मींस इमेजिनरी, ठीक है तो ये ग्राफ देख करके आपको समझ जाएगा, ये बताओ रियल रूट्स की इमेजिनरी रूट्स रियल रूट्स है ना, मतलब ये एक एक्सिस में कहीं ना कहीं आकर कट करेगा, ठीक है। अच्छा ये पता लगाना हो तो वाई कोऑर्डिनेट को जीरो कर लो पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इस केस में कैसा होगा इमेजिनरी, कैसा होगा इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो ये ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बात था कि किसी भी इक्वेशंस का आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है उसके बाद आप उसका वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है वर्टेक्स बताते ही आपको पता लग जाएगा, ग्राफ देख के आप बता देंगे कौन सा जो है मतलब वो रियल रूट्स होगा इसका और कौन सा इमेजिनरी रूट्स होगा। अच्छा इसके अलावा जो थोड़ा सा आपने पढ़ा है क्लास ट्वेल्थ में उसके हिसाब से मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाऊंगा, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया मतलब आप रिमार्क में इस चीज को समझ सकते हैं, रिमार्क का मतलब जो हम लोग भी आपको पढ़ा रखे आ रहे हैं इसमें आपने क्या सीखा, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के फॉर्म में तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब ये y जो दिख रहा है आपको इसको अगर हम स्टेप वन में क्या कर रहे हैं dy बाय dx निकाल रहे हैं, जैसे आप dy बाय dx निकालते हो आपको पता है कि 2ax प्लस में कितना b आता है ना, जैसे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ए टू एक्स प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं जीरो करते हैं, क्या करते हैं जीरो। अच्छा अगर आप जीरो नहीं करना है तो एक स्टेप आप और समझ लो,
आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसे आप कहेंगे आपको क्या बचेगा 2a। अच्छा देखिए ये जो ओवरऑल पूरी जो वैल्यू है 2a वो किस पे डिपेंड करेगा, a पे। किस पे? a पे। इट मे बी कि a जो होगा वो पॉजिटिव होगा या a जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अगर a हमारा पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल क्या होगा पॉजिटिव, और अगर a हमारा नेगेटिव हुआ तो ये ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो टैन मतलब जो कॉनकेविटी बनेगा इधर की तरफ बनेगा वो ध्यान रखना आपको, और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा डाउनवर्ड। तो आप एक और भी काम कर सकते हैं, मतलब आप दो बार डिफरेंशिएट कर करके ये देख सकते हैं है ना कि जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगी तो अपवर्ड्स खुलेगा, नहीं तो डाउनवर्ड्स। ये ध्यान रखना है, ये आपको अपवर्ड्स खुल रहा है और ये आपका किधर की तरफ खुल रहा है डाउनवर्ड्स खुल रहा है, नीचे की तरफ ये खुल करके जा रहा है। ठीक है, तो ये आप रिमार्क में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमने ये सीखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ग्राफ से रिलेटेड जुड़ी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय सिर्फ दो बात का आपको ध्यान रखना है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी को ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है, किसी को आता है तो आप पहले ट्राई करो फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, एक बार देखिए पहले यहां से। अच्छा, सबसे पहला जो चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये देखना है कि ए की जगह पे क्या लिखा हुआ, वन लिखा हुआ। इधर एक ही जगह पे क्या लिखा, वन लिखा। इधर एक ही जगह पे थ्री और इधर एक ही जगह पे सेवन लिखा हुआ। परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमेशा वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन। तो इसमें ऑलरेडी वन है तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, इधर जो आपको एक्स का जो कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स का जो कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो थ्री बाई टू। ठीक है, ये हाफ कर देना है बस, पहला काम ये। आपको क्या करना है डायरेक्ट आप समझो, पहले ध्यान से आपको क्या करोगे कि x माइनस जो हाफ आपकी होगा थ्री बाई टू इसका होल स्क्वायर बनो। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइनस करो है ना, फिर वापस से कितना थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और ये प्लस का फाइव देता है, प्लस का फाइव देता। ठीक है, बस आपको यही काम करना है, पहली बात में यही काम। इधर देखो जरा ध्यान से, इधर क्या दिख रहा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, पांच दिख रहा है ना, इसका हाफ करो कितना फाइव बाई टू। मैंने क्या सिखाया कि x और प्लस है तो यहाँ पे प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर करोगे और माइनस में फिर फाइव बाई टू का क्या करोगे होल स्क्वायर और प्लस में सिक्स लिखा हो, प्लस में सिक्स लिखो, कोई दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर मैं पहले इन दोनों को पहले सॉल्व करके आपको समझाऊं तो आप जरा देखना एक चीज, आपको इतना पता है कि इधर आपको एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर दिख रहा है और सबको पता है, बच्चा बच्चा को आता है कि नौ बट्टा चार लिखा हुआ है और प्लस में फाइव लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं 9 बटा 4 प्लस में 5 अगर सॉल्व करने जाऊं तो सबको पता है कि ये कितना आ जाएगा 20, 20 में से 9 गए कितना 11 बटा 4, मतलब ये अगर मैं सॉल्व करूं तो x माइनस 3 बाई 2 है ना इसका होल स्क्वायर है और माइनस में कितना 11 बटा 4 प्लस का, देखो प्लस का 11 बटा 4, वेरी गुड, प्लस का कितना 11 बटा 4 पक्का। अच्छा देखो, मतलब अगर लिया जाए तो 5 का 20 11 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू, आप इसको फिलहाल इतना लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये आपको दिख रहा है x प्लस में कितना 5 बाई टू का कितना होल स्क्वायर माइनस में कितना 25 बटा 4, 25 बटा 4 और प्लस में कितना 6। इसको सॉल्व करा जाए तो x प्लस में कितना 5 बाई टू दिख रहा है आपको, इसका होल स्क्वायर है और ये कितना आएगा, बोलिए वापस से, यानी माइनस 1 बाई कितना 4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस का 1 बाई 4, वेरी गुड। सब इधर बताइए थोड़ा सा है ना, पहले इन दोनों को देख लीजिए। अब चूंकि इक्वेशन का हमें सॉल्व करना होता है तो इधर इज इक्वल टू 0 लिखा होता है, हम इधर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं और फिर हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान होता है कि नहीं। अच्छा, इस केस में रूट्स हमारा इमेजिनरी आ रहा है क्या, ये बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे हाथों को नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी आएगा, तो इधर तो दिख रहा है कि अगर इसको सॉल्व करना होगा तो x माइनस 3 बाई 2 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में 4, और इधर से आपको पता है कि अगर इसका वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर उधर कर देंगे। तो मेरा मेन काम है कि पहले परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ। इधर आपको पता है, ये देख के पता चल रहा है इसका भी माइनस 1/4 होगा, ये माइनस 1/4 होना चाहिए। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये माइनस का 1/4 हो गया, इज इक्वल टू अगर 0 कर लेंगे ना तो फिर सवाल ही खत्म हो जाएगा अपना, एक्स प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं और इधर आपको प्लस में 1/4 होगा।
आपको पता है इधर से क्या करेंगे, x प्लस में 5/2 और इधर रूट क्या करके कितना प्लस माइनस हम लोग 4 लिखेंगे, ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1/2 आएगा और इधर से ये जाएगा तो माइनस में कितना 5/2 यहाँ से किसकी वैल्यू x की वैल्यू आपको दिख रही है प्लस एक बार माइनस, तो ये सब आपको आता है। अच्छा सवाल ये है कि सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट आपने को कितना बनाना है, इस सब में तीन तीन से डिवाइड करेंगे तो तीन से डिवाइड करने का मतलब हो गया अंदर x स्क्वायर माइनस में 7/3 x प्लस में 4/3 लिखा होगा, मुझे लगता है किसी को भी इसमें दिक्कत है ना। अच्छा अभी x का जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसका अपने को क्या करना होता है, हाफ करना होता है, तो 7/3 का अगर हाफ करेंगे तो 7/6 है ना। 7/6 का मतलब हो गया कि ये 3 को आप यहीं पे रहने दो, मैंने क्या सिखाया x माइनस का 7/6 का क्या करोगे होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या करोगे 7/6 का होल स्क्वायर, और प्लस लिखा हुआ तो प्लस का 3, कोई दिक्कत है यहाँ से सॉल्व करने आता है आपको यहाँ से पता है क्या कर लेना है, ठीक है कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को बाहर रखेंगे है ना, x स्क्वायर माइनस में कितना 5/7 x प्लस में 9/ में कितना 7 लिख सकते हैं है ना। इसका अगर हाफ करा जाए तो कितना 5/14 लिखेंगे है ना, मतलब आपको क्या करना है 7 ऐसे कॉमन रहेगा x माइनस का 5/14 में कितना 14 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में कितना 5/14 का होल स्क्वायर प्लस में 9/7, मतलब एक चीज आपको समझ आ रहा है, मैं साइन का कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को नहीं, ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान है, अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो ये कट करके सीधे इधर, ठीक है फिर यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे उधर लेके आएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे है ना। सवाल ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको आना चाहिए, ये कैलकुलेशंस को जल्दी करा देते हैं, ठीक है। अच्छा इससे भी थोड़ा ज्यादा बढ़िया बात ये, आप इसको कॉपी करेंगे तो कर लीजिए, मुझे सिर्फ ये बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे, अगर आपको ये चीजें समझ आ गया है तो अब जो आपको दे रहा हूँ वो आप करके दिखाइए और उसका परफेक्ट स्क्वायर आप बना करके दिखाइए, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, यहां से आपको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी, ठीक है इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है इसका परफेक्ट स्क्वायर बना करके देखिए जल्दी से, ठीक है बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है यहाँ से आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, मतलब a से अपने को डिवाइड करना होगा, तो अगर मैं a को क्या करूं यहाँ से अगर कॉमन करूंगा तो आप सबको पता है कि x का स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a इनटू में x और प्लस में c बाय a आपको दिख रहा है इज इक्वल टू 0 है, इसको उठा करके उधर फेंक दे है ना। अभी आपके पास क्या बच गया है ना, x स्क्वायर प्लस में कितना b बाय a इनटू में x प्लस में कितना c बाय a इज इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं हाफ करते हैं, तो b बाय 2 ये होगा, तो x प्लस में b बाय a था 2a का क्या करेंगे होल स्क्वायर और माइनस में b बाय 2a का क्या होल स्क्वायर और प्लस में कितना c बाय a इज इक्वल टू कितना चल रहा है 0, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत है। अच्छा जरा एक चीज ध्यान दीजिए, इसको जरा आप लोग x प्लस b बाय 2a को इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको जरा खोलिए, यहाँ पे क्या करना है इधर जरा ध्यान से देखो, इधर ध्यान देना सब कुछ, अगर मैं क्या कर लू इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लू और इधर भी 8 से, एक काम करो पहले इसको एलसीएम लो, इसको खोलोगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन में कितना 4a और प्लस में ये जो दिख रहा है बी स्क्वायर होगा, हाँ 4a स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अगर मुझे नीचे अगर क्या करना है 4a स्क्वायर बनाना है तो 4a से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4a से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, इधर 4a और इधर 4a डाल दे है ना, तभी एलसीएम मान लीजिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अभी क्या है कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये मुझे दिख रहा है कि x प्लस में b अपॉन में 2a का क्या दिख रहा है आपको होल स्क्वायर दिख रहा है और इसको सबको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं यहाँ देखो तो एलसीएम कितना दिख रहा है आपको 4a स्क्वायर और ऊपर दिख रहा है b स्क्वायर और यहाँ पे कितना प्लस का 4ac, ठीक है कोई दिक्कत है क्या इसमें इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा मैं क्या करूँ यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं उठा करके उधर लेके जाऊँ है ना, यहाँ पे जरा ध्यान देना अगर मैं इसको इधर देखा ये बी स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस का और ये वाला प्लस का जैसे उधर जाएगा है ना, आप इधर देखना अगर मैं क्या करूं यहां से x प्लस में b अपॉन में 2a का ये होल स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल टू मैं उधर ले जाकर के इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं बी स्क्वायर
माइनस का कितना 4ac अपॉन में कितना लिख सकता हूँ 4a² लिख सकता हूँ ठीक है। ठीक है चलो यहाँ तो पता है आपको b² है ना माइनस का 4ac अपॉन में कितना 4a² है ठीक है। अच्छा ये सबको पता है कि भाई b² माइनस 4ac आपने कभी सुना है ना, इसी को क्या बोलते हैं रूट के अंदर d या सीधा d बोलते हैं d है ना, और नीचे कितना दिख रहा है 4a² अच्छा आपको पता है कि जब x प्लस में b/2a जब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या होगा रूट टू चलेगा है ना प्लस माइनस कोई दिक्कत है। अच्छा मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं कि x प्लस बी ए पॉइंट कितना 2a का क्या चल रहा है सॉरी है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे रूट के अंदर डी लिख लोगे और नीचे कितना 2 times of a लिख लोगे किसमें प्लस माइनस में है ना, यहाँ से x इज इक्वल टू जो होता है आपको पता है ये माइनस का b है ना और प्लस माइनस रूट के अंदर कितना डी और अपॉन में कितना 2a और यही हम लोग पढ़ते हैं x बराबर ठीक है। इसी मेथड को हम लोग श्री धराचार्य मेथड कहते हैं ठीक है, और बाकी लोग इसको डिसिमिनेंट मेथड से जानते हैं ये बात है ठीक है। तो इसको अपने को ये परफेक्ट स्क्वायर से बन गया है x = -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a है ना, बचपन से ही करते आ रहे कैसे आया आज दे दीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट है कुछ भी पूछना है तो पूछ लो आगे बढ़ते हैं ठीक है, इसका फायदा क्या है दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, चलो अच्छा सबसे पहले मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोगों में से किसको किसको पता है कौन कौन सा मेथड पढ़ते हैं, सबसे पहला मेथड स्प्लिटिंग मेथड सबको पता है फैक्टराइजेशन जिसको आप लोग कहते हैं है ना, एक स्प्लिटिंग मेथड होता है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो अभी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको सिखाए है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तीसरा अभी हम लोग देखें है ना धराचार्य मेथड या इसी को आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, तो ये तो ऑलरेडी अब स्क्वायर स्क्वायर करने का जरूरत नहीं, ये पता ही चल गया कि भाई ये तो ऑलरेडी निकाल कर से बैठे हैं, तो आज के बाद डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर देना है ये जल्दी हो जाएगा है कि अब स्क्वायरिंग मेथड कुछ और नहीं हो यही ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये तीन तरह के मेथड आपको यूज करने होते हैं क्वाड्रेटिक में ठीक है, ग्राफ बनाना आपको सिखाई दिए है ना, और इसमें से ये सबको आता ही है ये मैंने सिखाई दिया ये बताइए मतलब क्वाड्रेटिक का है ना मेथड तो हमें समझ आ गया कि सर ये वाला मेथड। इसके अलावा एक पॉइंट होता है ना वो लिखेंगे आप रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही वाली बात है। अच्छा कोफिशिएंट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा आपको बता रहे कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोफिशिएंट हाँ सर जो एक्स की वैल्यू होती है हाँ जो एक्स यानी जो ए बी सी जो है ये सब क्या है वही सब कॉपी से है ना। अच्छा और जीरो आपको पता ही अल्फा बीटा है ना, मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो इसमें ए क्या है ए हमारा कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अच्छा बी क्या है तो बी हमारा कॉफिशियंट ऑफ एक्स है सबको पता है ये बात, और सी क्या है कॉन्स्टेंट सी हमारा कोई कॉन्स्टेंट है ना ये कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है। अच्छा रिलेशन की बात करी जाए तो रिलेशन का मतलब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा है ना और अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता है ये दो रिलेशन आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए यही पढ़े ना। अच्छा देखिए अगर आप में से
किसी को ये चेक करना है कि कैसे आता है ना। तो x की वैल्यू अभी हमने पढ़ा माइनस का b प्लस माइनस कितना रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a है ना, ये पढ़ा। तो आप क्या करो देखना जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए है ना, तो ये b क्या होता है माइनस का बी स्क्वायर बाई 4ac। अच्छा इसको अगर प्रूफ करके दिखा रहा हूं माइनस बी का ये कैसे आता है, दिखा सकते हो इस अप्रोच से। एक बारी प्लस वाले टर्म को जोड़ देंगे, एक बारी माइनस वाले टर्म को जोड़ देंगे। हाँ मतलब ये x की वैल्यू जो है यहाँ पे एक बार माइनस बी प्लस फिर डी डिवाइड बाई टू ए है, और एक बार इसी को क्या करना है माइनस का बी माइनस का डी अपॉन में कितना ये करना है ना। मतलब एक बार इसमें से अल्फा निकलेगा एक बार इसमें से बीटा निकलेगा, इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, यही तो बात पूछा गया है। तो अभी यहाँ से जरा देखना है ध्यान से अपने को, माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए ये बाहर आएगा और बाकी ये रूट डी बाई टू रूट डी बाई टू ए कट जाएगा, नहीं दिख रहा मैं बताऊं फिर से है ना। देखो इसको अलग कर लो, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई कितना टू ए दिख रहा है ना, फिर उसके बाद माइनस का ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई कितना टू ए दिख रहा है, और ये प्लस माइनस कितना माइनस का रूट डी अपॉन में टू ए दिख रहा है। सबको पता है कि ये खत्म हो जाएगा और इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस का टू बी अपॉन में कितना ये टू ए दिख रहा है। अच्छा ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ पे एलसीएम वही आया तो माइनस का बी अपॉन में कितना टू बी दिख रहा है, कितना पक्का माइनस का टू बी हो जाएगा ये जोड़ेंगे तो। अच्छा नीचे सेम है ऊपर तो ऐड, ओके ओके एलसीएम जो है वो टू ए ही आएगा और माइनस भी मिलकर माइनस का टू बी हो जाएगा, तो टू से टू खत्म हो गया, ये माइनस का बी बाई ए आता है और ये बात आपको पता लगे है ना। अच्छा इनको आपस में मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल के आ जाता अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दिखाऊं कैसे, ये देखो मैं इसको रख करके बताऊं। अच्छा इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ दिख रहा है, जरा देखना ध्यान से माइनस का बी प्लस का रूट डी ठीक है, और नीचे कितना है टू ए ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है माइनस के बी माइनस के रूट डी और अपॉन में कितना टू ए से। अच्छा देखो तो इधर पेन ड्रॉप करो, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो इसको ए मान लो ए माइनस का बी और इंटू में ए प्लस का बी, नहीं ए इसको इसको ही मान ए प्लस बी इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं माइनस बाई टू ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसको अगर खोला जाए तो कितना आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन में कितना फोर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये माइनस रहेगा, अच्छा रूट डी का मतलब यानी तो बी स्क्वायर माइनस का कितना फोर ए सी और नीचे कितना है फोर ए स्क्वायर है ना। अच्छा अगर मैं इसको खोलने जाऊं तो आप देखो तो एलसीएम लोगे नीचे कितना आएगा फोर ए स्क्वायर देख रहे ऊपर में कितना आपको दिखा बी स्क्वायर माइनस में कितना बी स्क्वायर प्लस में कितना फोर ए सी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया ऊपर आपको क्या दिख रहा है फोर ए सी नीचे कितना है फोर ए, एक बार फोर ए से एक बार फोर ए खत्म हो जाएगा अंदर कितना है ये सी बाई ए, तो ये आता है कितना है ना। तो वो अपने को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि कैसे जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा इंटू बीटा जो हमारा वो सी बाई ए आता है ना। कुछ लोगों को कोई काम नहीं होता है समझे, चलो स्टार्ट हो गया। अच्छा इसको कॉपी करने की जरूरत है नहीं, नहीं चलो नोट कर लो हल्का सा, या नोट क्या करना है लेक्चर पढ़ाई जाएगा आप वहां से देख सकते हैं नोट कर सकते हैं, एक दो बात और बता देता हूँ ठीक है, फिर अपना काम आज के लिए खत्म कर लेंगे, रब कर दू ठीक है समझ आ रहा है। यस सर। अच्छा अगर मान लेते हैं कि जीरो पता हो और हमें इक्वेशन कहा जाए लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख लीजिए आप है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो अगर अल्फा और बीटा पता है, इधर देखो अल्फा एंड बीटा पता है अगर अपने को, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये सब बातें याद होना चाहिए, ये सब माइंड में की बातें है ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि x का स्क्वायर माइनस में है ना, यहाँ पे सम ऑफ जीरो लिखते हैं सम ऑफ रूट्स है ना, और
अच्छा यहाँ पे जीरो नहीं लिख करके आप रूट लेंगे, ठीक है, और इंटू में एक्स प्लस में क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ से बन जाता है हमारा इक्वेशन, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स मैंने आपको बता दिया है ना, सम ऑफ रूट्स का मतलब कुछ और नहीं, अल्फा प्लस में बीटा होता है, दैट इज माइनस डी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बाई। अच्छा डिफरेंस ऑफ रूट्स कोई बताएगा मेरे को कितना आता है? रूट डी बाई ए। हाँ वेरी गुड, रूट डी बाई क्या आता है, क्या कैलकुलेटेड है, ठीक है, नहीं आते तो मैं बता, डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालो इसको, अल्फा माइनस ठीक है, चलो देख बाकी नोट करो, ठीक है मैं दिखा देता हूँ डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना जो रहेगा वहां से देख के दिख लेना, मैं खाली दिखा देता हूँ एक बार, बाकी मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर हम अगली क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना कर लेंगे, पूरा थियोरेटिकली हम लोग इसको देख लिए, यहां से देखो तो जरा ध्यान से, अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करूं है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा माइनस का बीटा आपको निकालना है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और माइनस में कितना, ऐसे कर सकते हैं नहीं, माइनस में होल स्क्वायर। अच्छा देखो यानी अगर मैं दिखाऊं आपको अल्फा की जगह पे हम लिख देते हैं माइनस का बी है ना, हाँ प्लस का रूट के अंदर कितना बी अपॉन में टू ए, और माइनस चलेगा किससे, माइनस का बी माइनस का कितना रूट डी अपॉन में कितना, हमने क्या करा एक्स की जो वैल्यू आ रही है एक वैल्यू अल्फा होती है एक वैल्यू बीटा होती है, तो हमने क्या किया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू होता है, एक बार प्लस के साथ लिख दिया एक बार माइनस के साथ। अच्छा इस बॉक्स को हमें खोलना पड़ेगा, माइनस का बी रूट के अंदर डी, और माइनस माइनस प्लस के अंदर बी, और प्लस के अंदर कितना रूट के अंदर डी, और सबके एलसीएम कितना चल रहा है टू, इसमें से कौन कैंसिल आउट हो रहा है, ये कट ही होगा ये, अच्छा अच्छा ओके, ये माइनस माइनस प्लस का होगा, ठीक है, माइनस बी प्लस बी, उसके बाद यहाँ से ये दोनों खत्म हो रहा है, तो यहाँ से ये दिख रहा है अपने पास कितना दो बार रूट के अंदर डी है, और नीचे कितना है दो बार है, दो से दो खत्म हो गया, तो रूट के अंदर डी अपॉन में कितना टू है सीधा ही, यानी याद रखना ये डायरेक्ट पूछा जाएगा बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी रूट के अंदर अपॉन में कितना ए, ये आता है अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखिए। अच्छा कई बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एक दो और तीन ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का वैल्यू, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वन बाई अल्फा का क्यू ले लो और प्लस में वन बाई अल्फा बीटा का क्यू, क्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, वन बाई अल्फा का स्क्वायर पूछा जा सकता है और प्लस में वन बाई बीटा का स्क्वायर पूछा जा सकता है, ये सब पता ही है, इधर एलसीएम देखते क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इधर अल्फा प्लस में बीटा बीटा, इधर पता है ये बी बाई क्या होता है माइनस बी बाई ए अपॉन में कितना सी बाई ए, ए से ए खत्म हो जाएगा माइनस वन बाई ए, कोई दिक्कत है, इधर इधर एलसीएम लेते आपको पता लग गया होगा अल्फा इंटू बीटा का क्या चल रहा है, वन क्यू चल रहा है, इधर अल्फा का क्यू प्लस में कितना बीटा का क्यू, बीटा का क्यू, अच्छा इसको खोलने आना चाहिए है ना, यहाँ क्या है कई बार ए क्यू प्लस बी की मत करने लग जाना, यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लेंगे, और जब हम फॉर्मूला बोलते हैं तो प्लस में आता है तो अपने को माइनस माइनस कितना थ्री अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा है ना, नीचे कितना चल रहा है अल्फा बीटा का होल क्यूब है क्या कुछ इसमें, ऐसा कर सकते हैं ना, अच्छा इधर अगर उसी तरीके से अल्फा बीटा का क्या करते हैं होल स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, अच्छा ये सब वैल्यू रख लोगे ना, हाँ अल्फा प्लस बीटा पता है कितना माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का क्या करोगे है ना, होल क्यूब लिखे माइनस में है ना थ्री टाइम्स ऑफ सी बाई ए, सी बाई ए कर लेंगे माइनस बी बाई कितना, सॉल्व और कर लोगे ना, हाँ ये सब जो भी आता है वो लिख लेना रिजल्ट में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए अल्फा प्लस बीटा तो ये अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा, टू टाइम्स ऑफ कितना अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और नीचे कितना अल्फा बीटा का बीटा का होल स्क्वायर, सब वैल्यू आपको पता है, हाँ है ना, इधर कितना आता अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का क्या होल क्यूब, होल क्यूब है ना, इस सबको सॉल्व कर लेना है ना, इनकी वैल्यू आप इनके नीचे रख सकते हो
कितना माइनस का b बाई ए इसका होल स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ कितना c बाई ए नीचे कितना लिख सकते हैं c बाई ए का होल स्क्वायर बस इसको कटपिट करना जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है ना अगर आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे चलिए आई होप कि यहाँ तक का सफर क्वाड्रेटिक का आपको समझ आया मिलते हैं अगले एपिसोड में गुड डे सी नेक्स्ट क्लास बाय थैंक यू